क्या आप अपने बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या आप अपने मनी मेकिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या आप अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या आप अपने हेल्थ को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं? अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, लाइफ के किसी भी एरिया में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये सेशन एक्सक्लूसिवली आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक राठौर, ऑथर एंड न्यूरोसाइकोलॉजी एक्सपर्ट। आज का हमारा टॉपिक है Why you are failing again and again? What is the solution? What is the answer? The answer is lack of right info, right words, right thought, right energy at your subconscious level, at your neural box. Friends, हम लोग life में जो भी करते हैं, हम लोग जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो भी हम लोग की थिंकिंग होती है, जो भी हम लोग का बिहेवियर होता है, जो भी हम लोग का एक्शन होता है, वो डिपेंड करता है कि हमारे डीप सबकॉन्शियस में क्या इन्फॉर्मेशन है, हमारे अनकॉन्शियस में हमारे जो न्यूरल पैटर्न्स होते हैं वहाँ पे हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं, क्या वर्ड्स कैरी कर रहे हैं, जो कि हमारे नॉलेज के साथ इंक्रीज करता है। सो इसको सिंपल वर्ड्स में अगर कन्वे करूं, तो अगर आप अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो आपका बिजनेस हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, वेल्थ हो, फाइनेंस हो, तो इसका मतलब ये है कि आप दो जगह लैग कर रहे हैं, या आप दो पॉइंट को स्ट्रांग करके, दो चीज़ें सीख के अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, किसी भी लेवल की सक्सेस को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वो कौन सी दो चीज़ें हैं, वो कौन सा दो एस्पेक्ट है जहाँ पे हमें बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है? द फर्स्ट थिंग इज़ द माइंडसेट। किसी भी सक्सेस में, किसी भी ग्रोथ में 80% रोल होता है हमारे माइंडसेट का। माइंडसेट को अगर सिंपल वर्ड्स में कन्वे करें, सिंप्लीफाई करें, तो इसको हम लोग दो एलिमेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एलिमेंट नंबर वन, कि हम क्या लैंग्वेज यूज़ करते हैं। लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि हम हिंदी या इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, से मतलब है यहाँ पे। लैंग्वेज का मतलब या किसी मोड ऑफ लैंग्वेज या मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे हिंदी, इंग्लिश, तमिल या ऐसे किसी लैंग्वेज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरा यहाँ लैंग्वेज से मतलब है कि आपकी जो सेल्फ टॉक होती है वो क्या होती है, आप जो खुद से कम्युनिकेट करते हैं, आपका जो खुद से मन में जो थॉट चलता है, सेल्फ कन्वर्सेशन चलता है, व्हाट इज दैट लैंग्वेज, दैट रिफ्लेक्ट्स योर माइंडसेट। एंड द सेकेंड फैक्टर जो इसी से जुड़ा हुआ है, जो लैंग्वेज से ही जुड़ा हुआ है, वो आपके बिलीफ। ये दो फैक्टर आपके माइंडसेट को डिफाइन करते हैं। बिलीफ क्या होता है, हमारी जो भी थॉट हमारे सबकॉन्शियस में होती है उसको हम लोग बिलीफ बोलते हैं। ये अलग अलग चीज़ों से बनता है, हमारे एक्सपीरियंस से बनता है, एजुकेशन से बनता है, अलग अलग फैक्टर हमारे बिलीफ को बनाते हैं। तो अगर ये दो पॉइंट पे अगर आप स्ट्रांग हैं, अगर आपका लैंग्वेज स्ट्रांग है, अगर आपका सेल्फ टॉक स्ट्रांग है, अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, तो आप 80% लड़ाई को जीत लेते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। नाउ द सेकेंड थिंग, इसके अलावा और क्या हमें सीखने की ज़रूरत है? द सेकेंड थिंग इज़ द टेक्निकल नॉलेज। जो भी आप प्रोफेशन में हैं, जिस भी आप फील्ड में हैं, उस फील्ड की नॉलेज, उस फील्ड की टेक्निकल नॉलेज, वो कंट्रीब्यूट करती है 20%। तो अगर इन दो चीज़ों को लेके अगर आपके ब्रेन में, अगर आपके न्यूरल बॉक्स में अगर राइट इन्फो होगा, तो आप राइट थिंकिंग करेंगे, राइट एक्शन करेंगे, राइट बिहेवियर करेंगे एंड लेजेंडरी सक्सेस प्रोड्यूस करेंगे। Now the question arises, how to acquire this information? How to gather this knowledge? So the answer is through active, advanced and continuous learning. देखिए, पैसिव लर्निंग हम सब लोग करते हैं। पैसिव लर्निंग से नहीं होगा, क्योंकि पैसिव लर्निंग पे आपका कंट्रोल नहीं होता है, एक्टिव लर्निंग पे आपका कंट्रोल होता है। पैसिव लर्निंग हमारे एनवायरमेंट से आ रही होती है, पैसिव लर्निंग हम लोग हमेशा कर रहे होते हैं अनकॉन्शियसली, वो भी बहुत पावरफुल होता है, बट द मोर इम्पॉर्टेंट इज द एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग, एडवांस लर्निंग। एडवांस लर्निंग से मेरा मतलब क्या है, कुछ बेसिक नॉलेज होती हैं, आपने स्कूल में सीख लिया, कॉलेज में सीख लिया, किसी भी गूगल पे सीख लिया, यूट्यूब से सीख लिया। एक होती है एडवांस लर्निंग, वो हमेशा प्रीमियम होती है एंड कंटिन्यूअस, आपको हमेशा सीखते रहना है, क्योंकि हमारे ब्रेन की साइकोलॉजिकल नीड होती है कि उसको नए थॉट्स चाहिए होते हैं। तो नए थॉट आप गॉसिप करके ढूंढ सकते हैं, नेगेटिव न्यूज़ से ढूंढ सकते हैं। बेस्ट वे कि आप अपनी लर्निंग को कंटिन्यू कीजिए, आप सीखिए,
नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि क्या सीखें। उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ भी सीखने से पहले आप अपने आउटकम, अपने गोल, अपनी डिज़ायर, अपने विश को लिखो आप कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। और लाइफ में आपको जो भी आपका जो भी आपको चाहिए आप उसको गोल या आउटकम लिखिए, आउटकम इज़ अ बेटर वर्ड। फिर उसके बाद देखें कि उस आउटकम को पाने के लिए, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आप अपनी मनी मेकिंग, अपनी अर्निंग को इम्प्रूव करना चाहो, हो सकता है आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहो, हो सकता है अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहो, हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहो। सबसे पहले आप अपना गोल या आउटकम लिखिए। अब उस आउटकम को प्रोड्यूस करने के लिए जो माइंडसेट की चीज़ें, आप माइंडसेट सीखिए। माइंडसेट तो आपको कॉमन है, कोई भी ग्रोथ चाहिए, कोई भी सक्सेस चाहिए, 80% तो माइंडसेट का रोल है। तो माइंडसेट के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उसको सीखिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप जिस भी फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं उसकी टेक्निकल नॉलेज लीजिए। इस तरीके से आप अपनी लाइफ के सारे स्ट्रगल को रिमूव कर सकते हैं, जो भी आपकी हाईएस्ट सक्सेस है उसको आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू।